Hello dear kids, a very pleasing morning to all. So dear student, today in EVS we will do phase number 176. Last time we completed reading of this chapter number 6. So today we will do quick recap and exercise of this lesson. Let's start. Quick recap. We cannot see air, but we can फील इट. हम एयर को क्या नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तेज चलने वाली हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड. एयर टेक्स अप स्पेस. एयर क्या लेती है, स्पेस लेती है. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें ब्रीथ करने, सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है. एयर कैन बी फिल्ड इन टू मैनी थिंग्स. एयर बहुत सारी चीज़ों में फिल करी जाती है, जैसे टायर ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब, है ना. नाउ विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. क्वेश्चन नंबर 8. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस? दिस इज बैलून एंड दिस इज फुटबॉल. कह रहे बैलून एंड फुटबॉल आर फिल्ड विद सैंड, वाटर या एयर. बैलून और फुटबॉल में हम क्या फिल करते हैं, सैंड, वाटर या एयर. क्या फिल करते हैं, एयर, है ना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो विल टेक ऑन ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स वी नीड. क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, वाटर की, एयर की या कार्ड्स की. किसकी नीड होती है, यस, एयर की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. सो वी विल टेक ऑन ऑप्शन बी. थर्ड, storms is caused by fast and strong. जो storms होते हैं, तूफान होते हैं, वो किस कारण, तेज हवाओं के कारण होते हैं ना. वो क्या होती है, जो तेज क्या चलती है, wind, water या car. क्या चलती है, wind, है ना, तेज हवा चलती है. So the correct answer is option number A. So we will take one option A. Next question number B. Fill in the blanks. Choose word from the बैलून. आपको इस बैलून में से वर्ड्स को चूज करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट है पीपल, एनिमल एंड डैश नीड एयर. किस किस को एयर की नीड होती है, पीपल को, एनिमल्स को और यस, किसको होती है एयर की नीड, प्लांट्स को, है ना. पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स. क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट हमारा प्लांट्स नीड एयर. सेकेंड, टू लाइट अ फायर वी नीड एयर, है ना. फायर को करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, लाइट करने के लिए. टू लाइट अ फायर वी नीड एयर. थर्ड, एयर हेल्प्स डैश टू मूव. एयर हमारी किस में हेल्प करती है, एयर डैश हेल्प्स डैश टू मूव. किसको मूव करने में हेल्प करती है, यस, करेक्ट ऑप्शन इज सेल बोट्स. क्वेश्चन नंबर सी. वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर इन आर EVS notebook. So now page number 177. Dear children, this activity we will do in our online class. So अब आप सभी को एक वेस्ट पे कोई भी पुराना अपना newspaper लेके आना है. So we will do this activity in our online class. Next है value corner. Do you try to keep the air clean? सर्कल योर आंसर. क्या कह रहा है, डू यू ट्राई टू कीप योर, कीप द एयर क्लीन. क्या आप अपनी एयर को क्लीन करने की कोशिश की है, सर्कल करना है आपको उस आंसर पे. कह रहा है फायर क्रैकर मेक द एयर डर्टी. फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो एयर को कैसा कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं. डू यू ब्रस्ट फायर क्रैकर, क्या आप फायर क्रैकर को ब्रस्ट करते हो, जलाते हो, यस. सो टिक द करेक्ट आंसर. जो आपका आंसर है आपको उस पर टिक करना है, येस या नो. Do you burn paper or leaf for fun? क्या do you burn paper or leaf for fun? आप fun के लिए paper को या leaves को burn करते हो? Yes या no? No ना? So we will take on no. Okay? और first में आपने किया कि fire cracker make the air dirty. Do you brush fire cracker? तो आपको ये answer अपना खुद करना है, yes या no. So dear children, after watching this video you have to do page number 176 and 77 in your EVS book. Okay, bye bye and have a good day.